मित्रुष्य महानिमादित्य वारुण तपस्य प्रस्ताद यन्याय एष एषाय माम हे शतन निष्कानुदशतरज त्रिनिष्ठान निवर्तां सहस्त्रादश गौ नमः इदं जना उपश्रुत नराशंस स्विष्यते श्रिष्टं सहस्त्रा नवीतं चकोरं अरुषमी शुद्धामहे उस्तदा यस्य पर्वाहिजो वधूमन्तु द्विर्दश वर्षमारतश दिविजहेड़ति देविष्मान उपश्रुष्य लिंक चिदि शिखाहि नाशमश्चरुधारी सदूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूमं विना कोलम च पशवस्ते शाम बक्षया मतामं मुसलने वसन सकारा कौशरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चाज धर्मुच्च भविष्यति मया कुरता। ये क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र को अपनाने की बात है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप अपने अच्छे गुरु से रिश्ता कायम करेंगे। तो आपको कहेगा, आप भले ही संस्कृत के अंदर आपका वैध है, भले ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं, लेकिन आपको बताया जाएगा कि भाई इस मंत्र के अंदर क्या मैसेज दिया गया है। अगर आप सच्चे आप अपने विद्वान से जुड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, वरना नहीं तो फिर यही सोनू डांगर के तरह ये इल्जाम लगाएंगे, ये बांट देंगे आपको और ये बदनाम करेंगे मुसलमानों के कुरान को, कहेंगे कि मुसलमानों के कुरान में कहा गया है मुशरिकीन को कत्ल करो। नहीं मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, ये उस वक्त के बारे में ये आयत है जब मोहम्मद अली सलाम अल्लाह के नबी अली सलाम मक्का से मदीना पहुंचते हैं, तो वहां पर जितने भी यहूदी थे और जितने भी लोग थे कबीले के, वहां पर एग्रीमेंट बना था 10 साल का। उलमा मौजूद हैं, पूछिए उनसे कि कोई किसी से जंग नहीं करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने बैठे थे और सारे कबीले के सरदार लोग बैठे हुए थे। वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ कि कोई 10 साल तक किसी के खिलाफ ना तो जुबान खोलेगा, ना कोई किसी के खिलाफ तलवार निकालेगा मयान से, ना कोई किसी को कत्ल करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौजूदगी में और तमाम रुसाए मदीना के मौजूदगी में यह एग्रीमेंट हुआ, अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है आप लो छुरी प्लेट से मेरी जुबान को काट दो, अगर मैं झूठ बोलता हूँ जहां तक मुझे कॉन्फिडेंट है अपनी बात पर और अल्लाह की जात पर कि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, मैं आपके ग्रंथ का गलत मतलब नहीं बता सकता, एक बार नहीं 5 बार मैं आपके ग्रंथ का एनालाइज करता हूँ, जब तक एक मंत्र की तस्दीक कुरान से नहीं हो जाती, पुराण से नहीं हो जाती, भविष्य पुराण से नहीं हो जाती, मनुस्मृति से नहीं हो जाती, यजुर्वेद से नहीं हो जाती, मैं तब तक उसको लोगों के सामने पेश नहीं कर सकता, मैं करता भी नहीं हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जब मदीना पहुंचे, एग्रीमेंट हुआ कि 10 साल तक कोई किसी के बॉर्डर पर नहीं घुसेगा, कोई किसी को कत्ल नहीं करेगा। लेकिन मक्का वाले ने सरगोशी की, मदीने के अंदर जो यहूदी लोग थे, जो वहां पर क्रिश्चियन थे, उनको जो मुशरिकीन थे उनको वरगलाया, कह रहे मोहम्मद कुछ लोग हैं, तुम लोग भी बुजदिल बन गए, देखो हमने कितनी बहादुरी का काम किया है, उनका नाम निशान मिटा दिया, मक्का से उनको भगा दिया और तुम्हारे ही आए हैं, तुम लोग भी हिम्मत को मजबूत करते हुए अपनी बाजुओं की ताकत का इजहार करो, ये तो डर जाएंगे वैसे ही भाग जाएंगे ये और खत्म हो जाएंगे इनके चाहने वालों की तादाद। मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ यहूदियों को बरगलाया गया। 2-3 साल भी नहीं गुजरे थे कि यहूदियों ने सरगोशी शुरू कर दी एग्रीमेंट के खिलाफ। एग्रीमेंट में बात थी कि कोई किसी के खिलाफ कोई सरगोशी नहीं करेगा, कोई एजेंडा नहीं बनाएगा, कोई स्कीम तैयार नहीं करेगा। लेकिन कुछ फिरका परस्त लोग, जैसे आज हिंदुस्तान के इस धरती पर हैं, ये हिंदुओं के भी फिरका परस्त, हिंदुओं के भी जालिम लीडर और मुसलमानों के भी जालिम लीडर हैं, जो अपने ईमान और आस्था को बेच कर हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं। उस वक्त के कुछ लोगों की सरगोशी से कुछ लोग तैयार हुए कि मोहम्मद को कत्ल किया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस एजेंडे के बारे में, इस सरगोशी के बारे में खबर दी गई वही के जरिए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से कहा गया कि जब एग्रीमेंट टूट गया, गोया के वो बागी हो गए, बगावत करने वाले हो गए, एग्रीमेंट को तोड़ दिया, अब वो बागी है, अब वो लड़ाकू है, अब वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि वो दज्जाल है, अब वो आतंकवाद है। जैसे समझाता हूँ
हिंदुस्तान के हमारे बॉर्डर पर अगर कोई बाहर से आने वाला कोई आदमी चीन का पाकिस्तान का बांग्लादेश का अगर बांग्लादेश में बांग्लादेश का या पाकिस्तान का या चीन का कोई भी आदमी हिंदुस्तान में आना चाहे तो उसको वीजा की परमिशन लेनी पड़ती है वीजा के जरिए तभी आ सकता अगर नहीं आए बॉर्डर क्रॉस करे बिना परमिशन के तो हमारे हिंदुस्तान की आर्मी हमारे हिंदुस्तान के फौजी चूंकि ये एग्रीमेंट बना हुआ है अक्वाम बैनल अक्वाम मुत्तहिदा और अक्वाम कौम के अंदर कि कोई भी आदमी किसी मुल्क के अंदर बिना परमिशन के जा नहीं सकता अगर कोई जाता है तो उस कानून का उल्लंघन करता इसलिए उसको शूट वारंट का ऑर्डर देते हुए उसको वहीं पर गोलियों से उड़ा दिया जाता जैसे कि अभी हुआ कुछ दिनों पहले हमारे कुछ लोगों की गलती की वजह से हमारे हिंदुस्तान के 40 नौजवान शहीद कर दिए गए उन जालिम आतंकवाद के जरिए से उन फिरका परस्त लीडरों की केयरलेसी की बुनियाद पर अगर रूपों को 3,000 करोड़ रुपए से अगर बुत नहीं बनाया जाता गुजरात का उन पैसों से अगर हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर को मजबूत किया जाता तो बाहर देश से पड़ोसी मुल्क से आतंकवाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर न घुसते और हमारे हिंदुस्तान के जवान शहीद न होते लेकिन नहीं इन राजनेताओं को तो फिक्र है अपने दोस्तों की ये कहता है साक्षी महाराज कि हिंदुस्तान के अंदर गरीबी है मुसलमानों के 4 शादियां करने की वजह से नहीं महाराज साहब हिंदुस्तान के अंदर गरीबी है नीरव मोदी को 10,000 करोड़ रुपए देकर स्विस बैंक के अंदर जमा कर दिया विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए देकर लंदन भेज दिया इन लोगों ने हिंदुस्तान को गरीब किया है मुसलमान हिंदुस्तान को गरीब नहीं कर सकते जैसे हिंदुस्तान को बचाया था 1700 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए सर पे कफन बांध कर ये खड़े थे जालिम अंग्रेज के खिलाफ आज भी ये हिंदुस्तान के नौजवान आज भी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने इस देश की भक्ति के लिए अपने इस देश की हिफाजत के लिए सर पे कफन बांध कर तैयार खड़े रहेंगे कभी भी अपने इस देश से गद्दारी नहीं करेंगे लेकिन अपनी राजनीति को बदलो जो असल वजह है जो असल मुजरिम है जो असल जल्लाद है जो असल दुश्मनों ने देश हिंदुस्तान का दुश्मन ये करप्ट लोग ये नेता लोग हैं जो करोड़ों रुपए लेकर बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान की संपत्ति को बाहर मुल्कों के अंदर भेज दिया अगर ये पैसे होते हमारे देश के अंदर अगर हमारे देश में इन रूपों की एक अंबार होती तो 15 लाख नहीं 15 करोड़ रुपए एक हिंदुस्तानी के अकाउंट के अंदर जमा होता लेकिन नहीं जनाब दुश्मनी की ऐनक बैरक है एक अलग टॉपिक है लेकिन जब पाकिस्तान से आया फौजी आया वहां का गद्दार तो हिंदुस्तान की बॉर्डर को फलांग कर हमारे देश के जवानों की हत्या कर दी गई उसके बाद हमने क्या किया चूंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया तो हमने दो टोक लफ्जों में कहा चाहे वो पाकिस्तान तो दूर की बात अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी उतर कर अगर किसी मासूम इंसान को मारता है तो वो फरिश्ता नहीं हो सकता वो कभी इंसान इंसानियत मानवता की अहमियत अगर उसके दिल के अंदर नहीं है तो वो कभी भी फरिश्ता या इंसान नहीं हो सकता अरे इस्लाम ने तो एक लोटा ज्यादा पानी बहाने की गुंजाइश और इजाजत नहीं दी तो खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है शरीयत इस्लाम के अंदर मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों तो उन जालिमों के मुंह तोड़ जवाब के लिए हमारे हिंदुस्तान के योद्धाओं ने मिलकर अटैक किया उनके ऊपर क्यों कानून का उल्लंघन किया इसलिए उनको जवाबी कार्रवाई की यही कार्रवाई अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले मदीने के उन जल्लादों के लिए उन देशद्रोही के लिए और उन आतंकवाद के लिए था जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को तोड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल की साजिशें रच रहे थे जब आज अपनी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हम गोली चला सकते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने खातिर अपने इंसानों के खातिर अपने सहाबा के खातिर अपने मदीने के अमन और शांति के खातिर अगर अल्लाह ने कहा फक्तुल मुशरिकीन ये मुशरिक से मुराद वो गद्दार हैं वो बागी हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को और इंसानों को कत्ल करने की साजिश की थी अगर आज के डेट में बॉर्डर की सरहद की हिफाजत करना गुनाह नहीं है तो 1450 साल पहले अगर मोहम्मद ने मदीने की बॉर्डर की इंसानियत की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अल्लाह ने अगर वही भेजा फक्तुल मुशरिकीन है इस वजह तुम बागियों के खिलाफ दुश्मनों के खिलाफ तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है।
है कि नहीं? यह है इसका बैकग्राउंड, ये आयत, इस आयत की तशरीह यही आप लोग भी अपने दिलो दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। क्या कि इस आयत की यही तशरीह? हर कोई इसी आयत को पढ़कर बदनाम करना चाहता है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को और कुरान को, कि कुरान, कुरान करीम के अंदर कहा गया है कि मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो। तो मुशरिकीन से मुराद मुशरिकीन नहीं है, हर एक मुशरिक नहीं, बल्कि मुशरिकीन से मुराद बागी है, टेररिस्ट है, आतंकवाद है, उग्रवादी है, फिरका परस्त है। इसको नहीं समझेंगे। ये चीज कहां से पता चलेगी हमारे हिंदू भाई? जब आपको सही ज्ञान देने वाला आप अपने शास्त्रों से जब जुड़ोगे, अपने धार्मिक धर्म गुरु की बात को आप जब सुनोगे, तभी आपके समस्या का समाधान हो सकता। नहीं तो फिर ऐसे ही लोग आएंगे, मंत्र की गलत मतलब बताकर चले जाएंगे। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के जो बड़े एक तंजीम के लीडर हैं, जब मेरी उनसे बात हुई थी श्री मोहन भागवत जी से, हमने कुरान करीम की एक आयत इन्नल्लाह यामुर बिल अदल वल एहसान के तहत जब हमने बात की थी, तो बोला मौलाना इतनी डीप नॉलेज हमको इस मंत्र के बारे में पता नहीं था। क्यों? वो इसके ऊपर मेहनत नहीं करते। वो कभी भी अपने वेद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए किसी साधु के पास नहीं जाते हमारे हिंदू भाई। लेकिन मैं आज कहता हूँ हमारे हिंदू भाई, इन रावण राजाओं की बातों को छोड़कर अपने शास्त्र की बातों को मानो और उस पर पढ़ो, रिसर्च करो। कभी भी दंगा नहीं होगा, कभी भी गाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर भी झगड़ा नहीं होगा।